नमस्कार, आज हम एप्पल की खीर बनाएंगे। मुझे शिकायत मिलती है कि एप्पल की खीर फट जाती है, तो आज हम ऐसे दो तरीकों से एप्पल की खीर बनाएंगे कि आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बनाना। एप्पल की खीर बनाने के लिए हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। इधर दूध बॉईल हो रहा है, तब तक हम ये एप्पल छील कर ग्रेट कर लेंगे। ये हमने 2 मीडियम साइज के एप्पल ले लिए हैं। खीर बनाने के लिए रेड डार्क कलर के एप्पल लें, ये मीठे होते हैं और खीर का टेस्ट इनसे बहुत अच्छा आता है। इन्हें ग्रेट कर लेते हैं। ये ग्रेट कर लिया एप्पल हमने और ये बीच बीच का पार्ट हटा देंगे। दूध को हम इधर रख देते हैं और इधर हम एप्पल पकाकर तैयार कर लेते हैं। दूध को हमें गाढ़ा करना है, इसको हम चलाते रहेंगे। ये एप्पल हम पैन में डाल देंगे। और इन्हें चलाते हुए कुक कर लेते हैं। दूध का हम बराबर ध्यान रखेंगे, इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। और दूध को उबालने के लिए हमने ये चौड़ी कढ़ाई ली है, इसमें दूध बहुत जल्दी गाढ़ा होकर तैयार होता है। एप्पल नरम हो गया है, हल्का सा पक चुका है, इसमें हम शुगर डाल देंगे। 6 टेबल स्पून शुगर है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं थोड़ी सी ज़्यादा शुगर ले लीजिए, और अगर आप कम मिठास पसंद करते हैं थोड़ी सी कम शुगर ले लीजिए। इधर हम दूध को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए गाढ़ा कर रहे हैं। एप्पल कुक होकर तैयार हो गए हैं, इसमें हम थोड़े से बादाम फ्लेक्स डाल देंगे। हमने 5-6 बादाम काट कर ले लिए थे और ये 5-6 कटे हुए काजू, थोड़े से काजू डाल देते हैं। और 4 छोटी इलायची को कूट कर पाउडर बना लिया, मिक्स कर देंगे इन्हें। वाटर कंटेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया है, एप्पल से अच्छी खुशबू निकलने लगी है, एप्पल कुक हो गए हैं। लेकिन अभी हमारा दूध गाढ़ा नहीं हुआ है, तो ये एप्पल को हम इधर साइड कर देते हैं और दूध को हम वापस इधर रख लेते हैं। दूध ऑलमोस्ट आधा रह गया है, गाढ़ा हो गया है, और हम खीर बना रहे हैं 2 तरीके से। अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। फ्लेम हमने एकदम धीमी कर दी है इस समय। आधा दूध हम इस प्याले में निकाल लेते हैं, इसे हमें ठंडा करना है। ये लगभग आधा दूध हो गया, इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और ये दूध जो गर्म है इसमें डाल देंगे 1/2 पिंच बेकिंग सोडा। और ये जो हमने एप्पल पकाकर रखा है इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक भाग हम इसमें जो दूध बॉईल हो रहा है जिसमें हमने बेकिंग सोडा डाला हुआ है उसमें डाल देते हैं। मिला देंगे। और बेकिंग सोडा हमने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है, उसका टेस्ट नहीं आता, लेकिन दूध बिल्कुल नहीं फटता। आप दूध को फाड़ने की कोशिश करें तो भी नहीं फटेगा। खीर तैयार है। तो खीर को हम प्याले में निकाल लेते हैं। ये पहले तरीके से खीर बनकर तैयार हो गई। और दूसरा तरीका, हमने दूध को ठंडा कर लिया और इसमें ये ठंडा एप्पल भी ठंडा हो गया है, मिला दिया। अच्छे तरीके से मिला देते हैं। तो ये दूसरे तरीके से भी खीर तैयार हो गई। दोनों तरीके से बनी हुई एप्पल की खीर तैयार है। आप इसे किसी भी तरीके से बनाइए, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि खीर फट जाएगी। इसके ऊपर थोड़े से काजू बादाम डालकर खीर की गार्निश कर देते हैं। और ये खीर फ्रिज में रख कर 3 दिन तक खाई जा सकती है।
और इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन दूध को उबालते समय पूरा ध्यान रखना है, उसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है और स्पैतुला को कढ़ाई के तले में चलाना है ताकि दूध कढ़ाई के तले में लगे ना। तो आप ये खीर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।